Hey everybody, this is Brijesh here और आप देख रहे हैं CABA Infobentry। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी कम होती चली जाती है और साथ ही साथ हमारे जो मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्रीज होने लगते हैं बढ़ती एज के साथ। और इस चीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहचाना है, रिकॉग्नाइज किया है और देश के वरिष्ठ नागरिकों यानी के सीनियर सिटीजन्स को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और रियायतें अंदर इनकम टैक्स एक्ट दी गई है। इस वीडियो में हम ऐसे ही बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सीनियर सिटीजन्स को दिए गए हैं एज पर इनकम टैक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स के बारे में जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही मिलते हैं, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसे कुछ स्पेसिफिकली टैक्स बेनिफिट्स हैं जिनका फायदा ऐसे व्यक्ति ही ले सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, यानी कि कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल की अपनी उम्र पार कर चुके हैं वे अगर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको कई सारे बेनिफिट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं एक डिडक्शन या एग्जेम्पशन के रूप में। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जिन सब का फायदा सीनियर सिटीजन्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है या आप किसी ऐसे व्यक्ति के टैक्स कंसल्टेंट या एडवोकेट हैं और आप उनका रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो कि सीनियर सिटीजन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन उनकी उम्र 80 साल से कम है, उन्हें इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है उन्हें इनकम टैक्स के अंदर सुपर सीनियर सिटीजन्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन्स की उम्र को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ऐसी कौन सी डेट होगी जिस डेट को एक व्यक्ति को सीनियर सिटीजन माना जाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर किसी व्यक्ति को सीनियर सिटीजन ट्रीट करने के लिए असेसमेंट ईयर की डेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल ईयर की डेट को कंसीडर किया जाता है। अगर आप 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं यानी के फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की इनकम है जो कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए काउंट की जाएगी, उस कंडीशन में इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से किया जाएगा। तो यदि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में किसी भी व्यक्ति की उम्र 60 इयर्स कंप्लीट हो जाती है तो वो व्यक्ति इनकम टैक्स के पर्पस से सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में अपनी एज के 60 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वो इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर 2020-21 के दौरान कोई व्यक्ति अपनी उम्र के 60 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति अंडर इनकम टैक्स एक्ट सीनियर सिटीजन ट्रीट किए जाते हैं और वो इनकम टैक्स के अंदर दिए गए सीनियर सिटीजन्स के बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ऐसा ही कैलकुलेशन सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में भी किया जाता है, यानी कि यदि कोई पर्सन बिटवीन 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में अपनी एज के 80 इयर्स या उससे ज्यादा कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसे पर्सन्स इनकम टैक्स के अंदर सुपर सीनियर सिटीजन्स ट्रीट किए जाते हैं, यानी कि
because of attaining the age of 80 years or more during financial year 2020-21, that is between 1st April 2020 to 31st March 2021, a person will be treated as senior super citizen, meaning thereby, agar a person who attains the age of 80 years or more, to वह eligible हो जाते हैं उन सारे benefits को claim करने के लिए जो कि एक super senior citizens को available हैं under Income Tax Act. अब मैं आपसे बात करूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स एक सीनियर सिटीजन या एक सुपर सीनियर सिटीजन को अवेलेबल हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट. जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक नॉन सीनियर सिटीजन यानी कि नॉर्मल सिटीजन को इनकम टैक्स के अंदर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है. यानी कि एक नॉन सीनियर सिटीजन को 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी गई है इनकम टैक्स के अंदर. लेकिन इसके उलट एक सीनियर सिटीजन को एक हायर बेसिक एग्जेम्पशन दी गई है और ये है ₹3 लाख की. इसी तरह से सुपर सीनियर सिटीजन को इससे भी ज्यादा एक और बड़ी एग्जेम्पशन दी गई है और वो है ₹5 लाख की किसी एक साल के अंदर. इसका मतलब ये हुआ कि अप टू 5 लाख रुपीज पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है सुपर सीनियर सिटीजन को. इस तरह से अगर एक सुपर सीनियर सिटीजन की एक साल में इनकम ₹5 लाख से कम है तो उस पर उससे कोई भी टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं चार्ज करता है. इसका मतलब यह हुआ कि एक सीनियर सिटीजन को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ₹50,000 की एक एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है एक नॉर्मल नॉन सीनियर सिटीजन के मुकाबले. इसी तरह एक सुपर सीनियर सिटीजन को 2.5 लाख रुपीस का एडिशनल बेनिफिट और दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एज कंपेयर टू नॉन सीनियर सिटीजन. सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपकी इनकम किसी साल में 5 लाख रुपीस से ज्यादा होती है तभी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में यदि आप सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है या नॉन सीनियर सिटीजन है यानी के नॉर्मल सिटीजन है तो उनको ₹5 लाख तक की अपनी इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता है. क्योंकि हर इंडिविजुअल को एक रिबेट दिया जाता है इनकम टैक्स का ऑफ रुपीज अप टू 12,500 अंडर सेक्शन 87A. लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि ये रिबेट ओनली इंडिविजुअल्स के केस में अवेलेबल है किसी और केस में नहीं लाइक HUF एटसेट्रा. तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा. अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए. लेकिन अगर डिसलाइक करते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक मुझसे जरूर शेयर कीजिए ताकि उससे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे भी मिलेगी और मेरे व्यूअर्स को भी मिल पाएगी. आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है? जो मुझे लगता है बिल्कुल आ सकती है. तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आप इस वीडियो तक आ गए हैं. बाकियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है तो वो हमें जरूर पूरी करनी चाहिए. इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल CABA इंफोवेंट्री पर. तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं जरूर आपसे ये कहूंगा कि आप इसको कंसीडर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम
और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।